नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम बारासात से जा रहे हैं, ये बारासात स्टेशन है, जो है आप जो है शियालदा से भी जा सकते हैं। चलिए मंदिर दिखाने ले चलेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा, भूल मत जाइएगा, पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया करिए। बढ़िया से बढ़िया हर जगह आपको घुमाने के लिए लेके चलेंगे। आने वाला है दोस्तों अशोक नगर, उतर आए हैं हम बारासात से। हैं आप चाहे तो शियालदा से आ सकते हैं। आज धूप दोस्तों बहुत है, आप स्टेशन से बाहर निकल आइएगा और इस तरीके से पीले रंग के ऑटो मिल जाएगा, आप उसमें बैठ लीजिएगा। ये कटिया बाबा आश्रम 18 रुपये में पहुंचा देंगे, और अगर आप रिक्शे से वैन से आएंगे उसमें 40 रुपया पड़ेगा, तो ये बेस्ट है ऑप्शन। और 3 से 4 आदमी होने से ही गाड़ी चला देते हैं ये लोग। चलिए फिर बने रहिएगा वीडियो पे, वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते रहिएगा, वीडियो पे बने रहिए। 3 सवारी थी और ऑटो वाले ने चालू कर दिए। रुपया में हम उतर गए अशोक नगर स्टेशन से, 3-4 सवारी हुआ था तभी उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरीके से मंदिर आपको दिखेगा, बंगाली भाषा में लिखा है। चलिए अंदर के लिए रवाना होते हैं। हमको यहीं से बाउंड्री देखिए कितना सुंदर लगता है, ठंडा ठंडा पेड़ छाँव, छोटे छोटे दुकान रहते हैं यहाँ पे, मतलब आपको चाय नाश्ता पानी कुछ करना है कर सकते हैं इस तरीके से। जो उत्सव वगैरह होता है बड़े बड़े पूजा पाठ का, तो वो सब उत्सव के टाइम में बहुत भीड़ होता है, वैसे कम होता है। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सब मट्टी खोदा गया है, ये देखिए। बाउंड्री है, बाउंड्री से सीधे निकल के वो सामने है, छोटे छोटे दुकानदार है, अच्छा लगता है। मतलब इस टाइप का नारियल का पेड़ हो, गांव हो, ठंडा ठंडा। ऊपर वाला गेट बंद हो गया है, चलिए इधर से चलते हैं, बाउंड्री नई बनी है, इधर से चलते हैं। जो काफी बड़ा आपको दिख रहा है उधर, बहुत बड़ा पार्क बनने वाला है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पार्क बनेगा, हाँ, और कितना अच्छा मतलब प्रोग्रेस हो जाएगा, कितना सुंदर बनेगा पार्क, मतलब आप दिखाई पड़ा कितनी दूर है, बहुत सुंदर। जैसे गोबरडांगा में इतना प्रोग्रेस हो गया है, सब लोग आना जाना कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ही ये भी बनेगा, झूला वगैरह, पिकनिक स्पॉट, और आपका कुछ लोगों को नौकरी भी मिल जाएगा अंदर खाने पीने का। चलिए दोस्तों उधर छोटा वाला गेट से हम आए हैं, चलिए महाराज जी से पूछ लिया, परमिशन ले लिया, महाराज जी ने कहा ठीक है। चलिए कितना सुंदर काटिया बाबा है, काटिया बाबा है, वृंदावन आशे।
আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। আচ্ছা, আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, আশীর্বাদ এই আমাদের এই মহারাজের কাছ থেকে। আচ্ছা, এই মহারাজ জি আছে, হ্যাঁ, কাটিয়া বাবা, তার আশীর্বাদে তিনি সব খরচা দিয়ে এই মন্দিরটা। কত দিল, কত বড় মনের মানুষ, এত জায়গাও দিয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে কত বড় মানুষ, সে তো স্বর্গে যাবে। আচ্ছা, সে তো স্বর্গে যাবে। মানুষ নিজের জন্য চিন্তা করে, ঠাকুরের জন্য, জনতার জন্য চিন্তা করেছে, তারা আসবে যাবে। আমাদের মহারাজকে দিয়েছে, ওই এই মহারাজকে দিয়েছেন উনি বৃন্দাবনে এখন। আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক, বৃন্দাবন মে রহতে হ্যাঁ ইয়ে মহারাজ জি, আছেন এখন? আছেন, আচ্ছা, আসবেন এই শীতকালে, অক্টোবর না নভেম্বর, নভেম্বর দিকে গুরু পূর্ণিমা বাদ আছে। আচ্ছা, দারুণ, হ্যাঁ দারুণ, খুব সুন্দর, অনেক ভক্তরা ছিলেন। আর ওই যে ওনাদের তিনটা মূর্তি উঠে, আচ্ছা, হ্যাঁ, আর কিছু বলবেন? হ্যাঁ, আপনারা সবাই থাকেন। আচ্ছা, উৎসব, উৎসব কবে হবে? উৎসব হবে 5 তারিখে, এই মার্চ মাসের 5 তারিখে। আচ্ছা, মার্চ মহিনে কে 5 তারিখ কো উৎসব হ্যায়, আপ লোক কো সব, আপ লোক জহাঁ সে আয়ে, হমনে রাস্তা বতাই দিয়া হ্যায়, বনগা লাইন পকড় কে শিয়ালদা সে ভি আপ আ সকতে হ্যায়, তো অশোকনগর মে উতর কে কাটিয়া বাবা আশ্রম আপকো রিক্সা মে মিল জায়েগা, 18 রুপে সওয়ারি করকে, অলগ সে আয়েঙ্গে তো উসকা 40 রুপে পড়েগা। ইস তরিকে সে সব বাবা লোক, মতলব জো বহুত সংসার কো ত্যাগ করকে আর বন মে জঙ্গল মে তপস্যা কিয়া হ্যায়, ওহি লোক জো হ্যায় আব স্বর্গবাস হো গয়ে হ্যায়। তো ইস তরিকে সে ফোটো হ্যায় সব বাবাও কা, বহুত মতলব উচ্চ পদ কে হ্যায় বাবা, সই বাবা হ্যায়। দেখিয়ে কতনা সুন্দর শান্ত বাতাবরণ মে আপ লোক আ সকতে হ্যায়। আবি হাম পুছ লেঙ্গে প্রসাদ রসাদ কা ক্যা সিস্টেম হ্যায়, ভোগ কা ক্যা সিস্টেম হ্যায়। সুন্দর সুন্দর বাগ বগিচা বনা হুয়া হ্যায় দেখ সকতে হ্যায় দোস্তো, বহুত সুন্দর সজায়া হ্যায়। অশোকনগর কে এক ভক্ত হ্যায়, মন্দির কো মতলব ইতনি বড়ি জমিন মে ইতনা মতলব বড়া মন্দির বনওয়া, আপ সোচ সকতে হ্যায় কতনা বড়া দিল হো সকতা হ্যায়। হর আদমি তো আপনে লিয়ে করতা, আপনে ঔলাদো কে লিয়ে করতা হ্যায়, ইয়ে দান কন করতা হ্যায়, বহুত কম লোক পড়ে হ্যায়। খ্যার উনকে পাস তো হ্যায় দিয়া হ্যায়, লেকিন কুছ কুছ কে পাস হোতে হুয়ে ভি নহি দেতে হ্যায়, দান নহি করতে হ্যায়। তো আপ দেখিয়ে, হাম সবকো নহি কে রে হ্যায়, আপ লোক মাইন্ড মত করিয়েগা, কতনা বড়িয়া দেখ সকতে হ্যায়, কতনা বড়িয়া আচ্ছা বগিচা বনা রক্ষা হ্যায়, আর বিলকুল সাফ সফাই হ্যায়, টয়লেট বাথরুম কি ব্যবস্থা হ্যায়, হর চিজ হ্যায়। ইতনা বড়ি জগা মেনটেন করা আসান খেল নহি হ্যায়, খুব সুন্দর। ইহা পে ভি হ্যায় কুছ তপস্বী বাবাজি লোক হ্যায়, ইহা পে ভি, ইহা পে ভি কুছ তপস্বী বাবাজি হ্যায়। সিজন যা রা সব ফুল কা, পরদিন সকালবেলা 8টার মধ্যে করতে হবে। আচ্ছা, কি ফোন নম্বরটা বলুন? ফোন নম্বর 6294, হ্যাঁ, 803-809। আচ্ছা ঠিক আছে, রাধিকা দাস, ঠিক আছে, আরেকবার বলে দিন প্লিজ। 6294-803-809, রাধিকা দাস, রাধিকা দাস, ঠিক আছে। পাঁচ হোঙ্গে জাদা জাদা সন্ন্যাসী বাবা লোক রহতে হ্যায়, আব ঠাকুর জি কা বাসন সাফ করনা, আর ইয়ে গার্ডেন হ্যায়, গার্ডেন কো সাফ সাফ করনা, আর ঘাস পত্তা হ্যায়, আর কুছ হ্যায় নহি গন্দগি। হ্যাঁ, হামারা তো মন হো রা হামি রহি যায়, লেকিন ইয়াহাঁ ফিমেল এলাউ নহি হ্যায়, আপ কই ভি সন্ন্যাসী আশ্রম মে দেখেঙ্গে ফিমেল এলাউ নেই হ্যায়, থোড়া বহুত পাত পত্তাদার সবজি অবজি লগানা, পপিতা হ্যায়, ইয়ে সব এই সময় পরবল ভিন্ডি সব আ রা, সেবা হ্যায়, সব আর ক্যা হ্যায়। তো জো কই বেরোজগার হ্যায় তো হাম বাবাজি কে মাধ্যম সে বতা রহে হ্যায়, চলিয়ে আপ লোক কো পুরা দিখাতে হ্যায়। বহুত হি সুন্দর ইয়ে বগিচা মে কতনা সুন্দর সুন্দর জড়ি বুটি হ্যায়, দেখিয়ে পালক লগা হুয়া হ্যায়, হ্যাঁ, তো ইস টাইপ কে আপ ভি বো সকতে হ্যায়, কতনা সুন্দর পালক সব লগা হুয়া হ্যায়।
तुलसी माता है। देखिए पत्ता तो पड़ा है, तो पत्ता जो है आप साइड में कर दे, इस टाइप का हो। फालतू इधर उधर घूमने से, दो पैसा भीख मांगने से कोई सेवन, अरे खाओगे तो अनि तो खाओगे और क्या खाओगे, तो ये सब यहीं पे व्यवस्था है बन जाएगी आपकी। सेवा करिए, देखिए कितना, कुछ जगह तो रहने नहीं देते हैं। देखिए ये बाबा जी खुद ही कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, कितना सुंदर बना हुआ है। अभी आम के सीजन में कितना आम होगा। हाँ आम है, लीचू है, अनार है। ठाकुर जी के लिए सवेरे के टाइम में बर्तन अर्तन धुल दिया, उसके बाद भगवान जी के लिए सब फूल उल निकाल दिया, फूल है, दूब है, तुलसी है, तोड़ दिया, कितना अच्छा है। आपका किस्मत खुल जाएगा। देखिए चीकू का पेड़ है, कितना बड़ा तो विशाल चीकू का पेड़ है, बहुत अच्छा होने वाला है आपका, आपका जीवन पलट जाएगा। जब रिश्तेदारों लोग पूछेंगे ना कहाँ भटक रहे हैं, कह देना ठाकुर जी के काटिया बाबा ठाकुर जी के आश्रम में है, सेवा कर रहे हैं, गर्व से बोलेंगे। वृंदावन भी जाने को मिलेगा, पंडित बाबा जी लोग सब वृंदावन जाते हैं, आप लोग को भी साथ में ले जाएंगे। हम लोग को भी आश्रम है वृंदावन। हाँ वृंदावन में काटिया बाबा, हाँ वृंदावन में, मेरे ख्याल से कानपुर में भी है। अच्छा हमने नाम खूब सुना है कटिया बाबा, वृंदावन में है ज्यादा, यूपी में। हाँ आपके रहने वाले रामदास कटिया बाबा जी है, योगी। हाँ क्या है ये सब, यही रह जाएगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे संत लोग काम करके गए, संत लोग कितने अच्छे अच्छे काम करके गए, सब यही रह। हाँ बताइए। अच्छा कितने सुंदर सुंदर सब बने हैं। ए बाबा जी नाम है संतु दास कठियावा। अच्छा संतु संतु रामदास कठियावा की चेला है। अच्छा 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 कलकत्ता हाई कोर्ट का बैरिस्टर थे। अरे बाप रे बाप, देख रहे हैं कलकत्ता हरिद्वार के, कलकत्ता का ने कलकत्ता हाई कोर्ट। अच्छा 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 कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर जी थे। कितना तपस्वी, इतने बड़े पद में होने के बावजूद भी, बाप रे बाप। गुरु जी को राम राम। बहुत सुंदर साफ सुथरा। हम अपने वीडियो के मार्फत से सन्यासी बाबा ने जैसे बोला है कोई नहीं आएगा, आप लोग जरूर आइए। जो बेरोजगार है और इधर उधर भीख मांग के खाना मांग रहे हैं, हाँ ये इस तरीके से बैठने की भी व्यवस्था है, ठंडी में मतलब थोड़ा ठंडा जगह है, और पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं आप लोग। अगर सुबह से फ़ोन करके आठ बजे के पहले, अगर 8 बजे तक अगर बोल देंगे कि हमको 6 आदमी 8 आदमी का प्रसाद के लिए हम लोग आ रहे हैं, तो बाबा जी लोग सब व्यवस्था कर देंगे। तो थोड़ा घूम घाम के, थोड़ा बगीचे में बैठ के, थोड़ा भगवान जी का नाम लेके आप लोग ज़रूर आइएगा। काफ़ी बड़ा है और बहुत आम होता होगा, कितना बड़ा तो आम का बगीचा है, देख सकते हैं कितना बड़ा तो आम का बगीचा है, और बहुत सब्जी फल फूल है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से फ़ोन नंबर दिया है, और जो बेरोजगार है, कोई है नहीं और उनको टेंशन रहती है, मकान का किराया कहाँ से देंगे, खाना कैसे खाएंगे, और कुछ लोग जो है मतलब रिश्तेदारों से मांगने जाते हैं, पब्लिक से मांगने जाते हैं, ये सब मत करिए। इससे बढ़िया ये अशोक नगर में कटिया बाबा आश्रम है, आश्रम में आप अपना 2-4 जोड़ी कपड़ा जो है लेके आ सकते हैं, यहाँ पे सेवा कर सकते हैं, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, रहने खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से बना है, बाबा जी लोग खुद ही समझ जाएंगे हाँ आपको पैसे की ज़रूरत है क्या है, लेकिन यहाँ नशा पत्ती वाला आदमी दारू वाला आदमी नहीं चलेगा। को बहुत बड़ा उत्सव है, आप लोग आइएगा और पहले से फ़ोन नंबर वगैरह लिखवा दीजिएगा, हो सकता भोग की व्यवस्था है, आप लोग को भोग मिलेगा, फ़ोन नंबर दे दिया है। इस तरीके से बना हुआ काफ़ी सुंदर वातावरण में हमको ये श्रीमद् बद्री भगवद गीता दिया है, हिंदी में है तो हम पढ़ सकते हैं। तो आप लोग को भी इस तरीके से मिले तो
तो आप लोग ऐसे मत रखिएगा इनको, गंगा जल धूप और थोड़ा फूल उल डाल के, अगरबत्ती डाल के आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन, थोड़ा बीच में 10-15 मिनट का समय निकाल निकाल के इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और तो और आपको ज्ञान नहीं भी होगा ना तो भी आपका पाप तो धुल जाएगा ये सब पढ़ने से भी। जल में माता जी रहती हैं, देखिए आके सेवा कर रही हैं। हाँ फ्री में, हाँ वही हाँ हाँ, देखिए सेवा कर रहे हैं, पैसा बड़ी बात नहीं है। आप इधर उधर बर्तन धोएंगे उससे ये सब ठाकुर जी का सेवा है, सब अगल बगल से आते हैं और फ्री है कुछ नहीं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, थोड़ा से भी अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट शेयर किया करिए। दोस्तों तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर नई वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग खूब हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहिएगा।